ही हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल पूजा यादव इंडियन ब्लॉगर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाने वाली हूं जिसे सुन करके आप प्राउड फील करेंगे, जिसे देख करके आप प्राउड फील करेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपको अपने देश के ऊपर प्राउड होगा कि आपके देश में कुछ ऐसा है जिसे विदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई का हिस्सा रखा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके देश के लिए प्राउड की बात है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मंजिल के करीब और आप देख रहे हैं मेरे सामने कासगंज का नदरे का पुल। ये कासगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसे कासगंज का नदरे का पुल कहा जाता है। इसमें खासियत ये है कि नीचे नदी, काली नदी बह रही है, इसके ठीक ऊपर हज़ारा नहर बह रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि पुल के नीचे नदी, पुल पर हज़ारा नहर। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस पुल का निर्माण कब हुआ था, तो इस पुल का जो निर्माण है वो आयरलैंड और ब्रिटिश शासन ने मिलकर के 1889 में इसे तैयार करवाया था। भारत में इस पुल की अहमियत को नहीं समझा गया, लेकिन आयरलैंड और ब्रिटिश के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज भी इसे पढ़ाई का हिस्सा रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज भी वहाँ के स्टूडेंट $32 में इस पुल की एक तस्वीर को परचेज करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ जो ऊपर नदी बह रही है, जिसे मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊँगी। इंजीनियरिंग ने इस तरीके से यहाँ पे काम किया है कि एक सुरंग छोटी सी छोड़ी हुई है, जिससे पानी नीचे नदी में आता रहता है। इसे कितना भी बंद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये बंद नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम ऊपर आ चुके हैं। जो नदी मैं आपको नीचे से दिखा रही थी, अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ उसी पुल के जस्ट ऊपर, और आप ये देख रहे हैं उस पुल के जस्ट ऊपर नहर बह रही है। जो नदी मैंने आपको भी नीचे दिखाई थी, ये उस नदी के ऊपर जो पुल था, उस पुल के ऊपर ये हज़ारा नहर बह रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुरंगें भी बनी हुई हैं। यह इस पुल पर 15 सुरंग बनी हुई हैं और जो एक दूसरे से जाकर के मिलती हैं। मैं सुरंग किस टाइप की है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर 15 सुरंग हैं, जिन्हें कि चोर कोठरियाँ भी कहा जाता है। चोर कोठरियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है चोरों का रास्ता था जो इंजीनियर लोगों ने बनाया था। सिर्फ वही जानते थे कि कैसे हमें नीचे उतर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। अगर इसके अलावा मैं या आप कोई और भी जाता तो वो भूल जाता है और वो रास्ते तक नहीं पहुँच पाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में इस पुल के नीचे से वीडियो बनाया था और ये पुल नीचे से दिखाया था कि कैसा लगता है। अब मैं इस पुल के ऊपर हूँ और मैं नीचे का दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैं उस टाइम में खड़ी थी। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं ये दूसरा पुल है, इसके ऊपर भी एक नहर बह रही है, जो मैं आपको जब उस नहर पर पहुँचूंगी तब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि उस पुल पर भी एक नहर बह रही है। जी हाँ फ्रेंड, जिस तरीके से इस पुल पर एक हज़ारा नहर बह रही है, ये मेरी राइट साइड में ये आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके से मेरे लेफ्ट साइड में जो पुल है वहाँ पर भी इसी तरीके से है, और ये दूसरी सुरंग है। फ्रेंड, इसी तरीके से यहाँ पर 15 सुरंग हैं, जिससे सुरंग की मदद से आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहर या नदी को क्रॉस करके पहुँच सकते थे। ये गोपनीय रास्ते हुआ करते थे, और ये वो पुल है, इस पुल पर भी एक नहर है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने यहाँ को, इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाया था और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पार्क, झूले वगैरह लगाए थे, लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम उस पुल पर आ चुके हैं जो पुल मैं आपको बता रही थी कि उस पुल पर भी नहर बह रही है। तो फ्रेंड्स, ये वो पुल है जो मैं आपको सामने से दिखा रही थी, ये वो पुल है जब मैं उस टाइम उस पुल पर खड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं ठीक उसके सामने पुल पर खड़ी हूँ। वो वाला पुल ब्रिटिश शासन के काल में बनवाया गया था और ये वाला पुल हमारी गवर्नमेंट द्वारा बनवाए गए हैं। फ्रेंड्स, इस पुल पर भी नहरें बह रही हैं, आप देख रहे हैं ये, और उस पुल पर भी नहर थी। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है कि नीचे काली नदी बह रही है और पुल के ऊपर नहर बह रही है, वो भी दो पुल पर एक साथ। इस नहर में मेरे कैमरे की नज़र में एक मगरमच्छ का बच्चा भी आया है, ये देखिए छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा है। तो
आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए इस नदी का पानी कितना साफ है। तो फ्रेंड्स पसंद आएगा तो कमेंट तो आप खुद से ही करके बता देंगे। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।